नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 12R 5G versus Samsung Galaxy S23 FE 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12R 5G में 6.43 इंच जबकि S23 FE 5G में 6.22 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 12R 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो 12R 5G में 2.96 इंच जबकि S23 FE 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 12R 5G में 0.35 इंच जबकि S23 FE 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 12R 5G में 207 ग्राम जबकि S23 FE 5G में 209 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 12R 5G में AMOLED जबकि S23 FE 5G में डायनामिक AMOLED 2X की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 12R 5G में 19:8:9 जबकि S23 FE 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 12R 5G में 6.78 इंचेस जबकि S23 FE 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 12R 5G में 1264x2780px FHD+ और S23 FE 5G में 1080x2340px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12R 5G में 90.26% जबकि S23 FE 5G में 83.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12R 5G में 450 पिक्सेल प्रति इंच जबकि S23 FE 5G में 403 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12R 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और S23 FE 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12R 5G में 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और S23 FE 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12R 5G में Adreno 740 जबकि S23 FE 5G में Eclipse 920 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12R 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 और S23 FE 5G में Samsung Exynos 2200 मिलता है। बात करें रैम की तो 12R 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 16GB की रैम मिलती है, जबकि S23 FE 5G में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 12R 5G में Android V14 जबकि S23 FE 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी 12R 5G में 5500 mAh जबकि S23 FE 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो 12R5G में 3 कलर्स जबकि S23FE5G में 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 12R5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 36,565 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 16GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 42,776 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें S23FE5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 59,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 64,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus 12R5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Samsung Galaxy S23FE5G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें ये रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 12R5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S24 5G है, दूसरा Google Pixel 8a 5G है, तीसरा Motorola H50 Fusion 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT60 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।